Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्ज़ाम के पर्पस से एक क्वेश्चन इसका मालूम कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें आप जो है हम पांच टाइप इसमें पढ़ेंगे, पांच टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, आपने देखा होगा कि यदि m का अर्थ हो जाए गुणा, ठीक है, p का अर्थ हो जाए प्लस, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं। फिर एक इक्वेशन इस तरीके से दी होती है 64m 8p 9c, इस तरीके से बराबर क्या आएगा। ठीक, एक ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया। एक होता है आपका टाइप सेकंड में, चार इक्वेशन दी हुई होती हैं कि यदि प्लस को माइनस से चेंज कर दिया जाए, माइनस को डिवाइड से, गुणा को डिवाइड से चेंज कर दिया जाए। ठीक है, और इस तरीके से सारे चिन्ह दिए हुए होते हैं। इनको चेंज करने के बाद फिर चार इक्वेशन दी होती हैं, उन चार इक्वेशन में से जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो उनको कैसे जल्दी से करना है, क्योंकि अभी तक हमारी ये समस्या रहती है कि इन चारों इक्वेशन को चेक करना पड़ता था, अब चारों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों तक भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिल पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये है टाइप फर्स्ट के। कौन से टाइप के जी? टाइप फर्स्ट के। ठीक, काफ़ी आसान होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, जो टाइप सेकंड और थर्ड और फोर्थ आपका आएगा वो थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, लेकिन उसके भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक, कैसे हम 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है कि यदि p के लिए गुणा, यानी कि p का मतलब जहाँ भी p होगा वहाँ मल्टीप्लाई लगा देना है, r के लिए जो है वो आपको यूज़ करना है किसका, डिवाइड का, तो r जहाँ भी होगा वहाँ डिवाइड आ जाएगा। t के लिए किसका यूज़ करना है आपको, माइनस का यूज़ करना है, और w के लिए किसका यूज़ करना है आपको, डिवाइड का। ठीक है, r के लिए ये आपका प्लस है, डिवाइड नहीं है, r के लिए प्लस है। ठीक है, r के लिए प्लस और w के लिए डिवाइड, ये इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। और इन चिन्हों के स्थान पे ये जो अल्फ़ाबेट है ये चिन्ह यूज़ करने हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 64W 4P 8T 6R 4 बराबर क्या होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो बड़े ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, बाकी आप कर लेंगे, ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है ये टाइप फर्स्ट। सेकंड और थर्ड के लिए आपको ट्रिक देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जहाँ जहाँ ये साइन है इनको चेंज कर दो, W के इस्तेमाल क्या करना है हमें, W की जगह पे डिवाइड का इस्तेमाल करना है, डिवाइड का यूज़ करना है, 4 ऐसे ही आ गया। P के स्थान पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। T के स्थान पे, T के प्लेस पे हो गया माइनस, ये 6 हो गया, और R के प्लेस पे क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ठीक, अब इसमें क्या यूज़ कर लेना है, अब हमने मैथ में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, कौन सा, बोर्ड मास। तो यहाँ पे आपको बोर्ड मास लगाना है, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ, ऑफ नहीं है तो फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से इस क्रम में हमें सॉल्व करना होता है। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले डिवाइड होगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 16 × 8 ऐसे ही रहेगा, माइनस 6 + 4। जब तुम इसे और सॉल्व करोगे तो 16 × 8 कितना हो गया, 128। अब 128 में जब जोड़ोगे कितना, 4। ठीक, तो एक 132, और 132 में फिर 6 घट जाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 126। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, और 126 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ना है, सेकेंड में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया हुआ है P का अर्थ है माइनस, P मीन्स माइनस, फिर इसने दिया है Q का अर्थ है प्लस, Q मीन्स प्लस, फिर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
डिवाइड, आर का अर्थ जो है वो डिवाइड है, आर मीन्स डिवाइड, और एस का अर्थ है मल्टीप्लाई, एस मीन्स मल्टीप्लाई, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 18p 6q 4s 6r2 बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इसको वही हमें फॉर्मेट चेंज करना है, 18p के स्थान पे क्या आ जाएगा माइनस 6, क्यू के स्थान पे आ गया प्लस 4, एस के स्थान पे क्या आ गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 6, और आर के स्थान पे क्या हो गया डिवाइड। ठीक, इसको हमें सॉल्व करके और आंसर बताना है क्या आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही वर्ड मास, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ड मास का यूज़ करना है तो करना ही करना है, और नहीं भी कहा गया तब भी आपको वर्ड मास ही लगा के क्वेश्चन का आंसर देना है। ये नहीं कि आप पहले 18 में 6 घटाएँ फिर ये इसको जोड़ दें 18 में 6, वो हमें कब करना है, सबसे पहले तो हमें वर्ड मास ही लगाना है, और वर्ड मास लगा के अगर आपका आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, अगर बोर्ड मास हम जैसे इसमें लगा रहे हैं पहले बोर्ड मास का नियम इसमें लगा रहे हैं और जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, और इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है ना इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं है, और जो हमारा बोर्ड मास लगा के आंसर आया वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना बिना बोर्ड मास के, जैसे पहले 18 में 6 घटाया 12, फिर 12 में 4 जोड़ देना 16, फिर 16 की 6 से गुणा कर देना 16 × 96, और 96 को 2 से डिवाइड कर देना तो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो कब करना है, पहले बोर्ड मास ही लगाना है, पहले क्या लगाना है बोर्ड मास, वो तब करना है बोर्ड मास लगा के जब आंसर ना आए। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, पहले तो वही होगा आपका डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 18 − 6 + 4 गुणा, जब 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, फिर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 18 − 6 + 12, 18 × 12 कितना हो गया 30, 30 में 6 गया कितना बचा 24, 24 आपके प्रश्न का उत्तर होगा, और 24 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बाय चांस अगर यहाँ ऑप्शन नंबर 20 आपका ये 4 नहीं होता, फिर हम बिना वर्ड मास के सॉल्व करते, ठीक है, लेकिन पहले आपको वर्ड मास ही लगाना है। अब SSC ऐसा करने लगा है, SSC ऐसा देने लगा, क्वेश्चन दे देता है वर्ड मास लगाते हैं, वो टाइम कंज्यूम करवाने के लिए, आपका टाइम जिससे ज़्यादा लगे, ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, पहले वर्ड मास ही करना है, अगर वर्ड मास लगा के आंसर नहीं आ रहा तो फिर आपको वो बिना वर्ड मास के सॉल्व कर देना है। ठीक, नेक्स्ट, अब कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि ये सवाल गलत आया था, सवाल गलत नहीं होता, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, R स्टैंड फॉर माइनस, R का जो मतलब दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ है, और A स्टैंड्स फॉर डिवाइड, A का जो मतलब दिया हुआ है वो डिवाइड है, उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं C स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, C का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, और लास्ट में दिया हुआ है एक और रह गया B का मतलब है आपका डिवाइड। ठीक, तो A का मतलब ये डिवाइड नहीं प्लस है, A का मतलब प्लस है, B का मतलब डिवाइड। ठीक, अब हमें फिर से वही, अब देखो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोर्ड मास रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो समीकरण का मान क्या होगा, बोर्ड मास नियम का पालन नहीं करना है, इक्वेशन जो दी है इसमें बोर्ड मास का नियम का पालन नहीं करना, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ इक्वेशन क्या है 25A 37C 2B 4R1 बराबर क्या होगा, तो इनको साइन को पहले चेंज कर लो, 25A के स्थान पे आ गया प्लस, 37C के स्थान पे क्या आ गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 2, और B के स्थान पे आपका आ गया डिवाइड, B के स्थान पे डिवाइड हो गया 4, और R के स्थान पे क्या हो गया माइनस। अब उसने पहले ही कह दिया कि बोर्ड मास नियम का पालन नहीं करना, तो आप पहले इसमें ये जोड़ दो, 7, 5, 12 कैरी हो गया 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 62 हो गया इंटू 2 / 4 − 1, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12, 124 / 4 − 1, अब 4 को इससे काटोगे 4 × 12 = 4 = 31 − 1, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 30, और 30 ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, इसमें बोर्ड मास नियम का पालन नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि क्वेश्चन ने उसने पहले ही कह दिया बोर्ड मास नहीं लगाना है। ठीक है, बाई चांस अगर वो ये लाइन नहीं देता तो हम इसको बोर्ड मास से ही सॉल्व करते, और जब बोर्ड मास से आंसर नहीं आता
बोर्ड मार्क्स से कोई आंसर आता और वो ऑप्शन में नहीं मिलता, फिर हम इसको बिना बोर्ड मार्क्स के सॉल्व कर देते हैं। ये तरीका है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में या अभी करनी है। कैसे करनी है, जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, बुक होगी, उसमें से लगा के देखने हैं। मुझे तो केवल समझाना था, 5 क्वेश्चन सफिशियंट रहेंगे इस टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में दिया हुआ पी मीन्स, पी मीन्स प्लस, पी का अर्थ दिया हुआ है प्लस। उसके बाद क्यू मीन्स मल्टीप्लाई, क्यू का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट दिया हुआ है आर मीन्स डिवाइड, आर का मतलब दिया हुआ है आपको डिवाइड। और लास्ट में दिया हुआ है एस मीन्स माइनस, एस का जो अर्थ है वो दिया हुआ है माइनस। तो फिर इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन क्या दी हुई है जी, तो बताएं 44Q 9R 12, फिर नेक्स्ट आगे दिया हुआ S6Q 4P16 बराबर क्या, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, 44Q के स्थान पे हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, 9 हो गया। R के प्लेस पे क्या रखेंगे, डिवाइड, 12 हो गया। फिर S के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस, ये हो गया 6। क्यू के प्लेस पे क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो गया 4। और पी के प्लेस पे क्या रखा जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 44 × 9/12 लिख लो इसको, क्योंकि ये भाग में लिखा हुआ है, -6 × 4 + 16। जब इसे सॉल्व करोगे, इसको किससे काट लो, 12 से ना तो 9 पूरा जाएगा, ना 44 पूरा जाएगा 44, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 4 से काट ले रहे हैं, 4 × 12, और 4 से 11 बार चला जाएगा, 3 से 3 बार चला जाएगा, तो 11 × 3 जा कितना हो गया, 33 माइनस, अब गुणा करेंगे 24 और प्लस 16, तो इसमें ये प्लस करके माइनस ये कर दो, या फिर कोई भी प्लस माइनस में तो कोई भी पहले कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 9, और 3 और 1 = 4, 49 में से 24 घटा दो तो ये आपका हो जाएगा 25, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। टाइप फर्स्ट का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, बाकी तो आपको स्पीड कैसे बनानी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से पता है, जो भी आपके पास बुक होगी, प्रैक्टिस सेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है आपको, यदि माइनस को प्लस, माइनस को वो चेंज कर रहे हैं किससे, प्लस से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस को डिवाइड से, यदि प्लस को किससे चेंज किया जा रहा है, डिवाइड से चेंज किया जा रहा है। फिर आगे दिया हुआ है गुणा को माइनस से, गुणा को जहाँ भी गुणा का मल्टीप्लाई का साइन होगा वहाँ माइनस आ जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है डिवाइड को मल्टीप्लाई से, जहाँ भी डिवाइड का साइन है वहाँ आपका मल्टीप्लाई का साइन। ये सारे चेंज करने के बाद फिर एक इक्वेशन हमें दी हुई है, 6 / 8 + 2 × 5 - 8 = क्या होगा, ये हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले साइन चेंज कर लो, 6 डिवाइड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस, और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस। ठीक है, अब आसानी से सॉल्व कर लो, पहले डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 4, 6 × 4 कितना हो गया, 24, -5 + 8, 24 और 8 32 में 5 गया कितना हो गया, 27 आपके सवाल का उत्तर है। और 27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, 5 क्वेश्चन ही मैंने कराए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। ठीक, ज़्यादा समय मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं एक से एक और एक क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि आसान चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट हमें समझनी थी, बस जो दो बातें मैंने बताई उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बोर्ड मार्क्स आपको लगाना है, बोर्ड मार्क्स लगा के अगर जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन में नहीं है और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर बिना बोर्ड मार्क्स के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2nd या 3rd में देखा था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3rd था, साफ साफ कह दिया था कि बोर्ड मार्क्स नहीं लगाना, तो फिर उसको उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर देना है। ठीक है, उम्मीद है टाइप फर्स्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब आप देखते हैं टाइप 2nd। टाइप 2nd को देखो जी, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है टाइप 2nd का। इस टाइप का क्वेश्चन आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सर इसमें 4 क्वेश्चन चेक करनी पड़ती है, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 1st है आपका, 1st दिया हुआ है, इफ़ माइनस स्टैंड फोर
डिवाइड, यानी यदि माइनस के लिए यूज़ हो रहा है क्या डिवाइड, इनको साइन को ऊपर लिख लिया करो इस तरीके से, प्लस के लिए मल्टीप्लाई, प्लस के लिए यूज हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड के लिए माइनस, डिवाइड का जहाँ भी साइन होगा वहाँ क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के लिए प्लस, मल्टीप्लाई के लिए यूज हो रहा है वो हो रहा है प्लस। तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ये चार इक्वेशन आपको दी हुई हैं, चार इक्वेशन आपको दी हुई हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 49 × 7। अब मेरी बात को ध्यान से समझते चलना कि इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर कैसे उड़ाएंगे आप, ठीक है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगी, तुरंत आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक। डिवाइड 7 × 3 + 5 − 8 = 26, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 49 + 7 − 3 × 5 / 8 = 20, और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है 49 − 7 + 3 / 5 × 8 = 24। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि सर इनको चेंज करके और फिर चारों इक्वेशन हमें रख के देखनी पड़ती हैं, बाय चांस पहला भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा आता है तो उसमें समय बहुत लग जाता है, समय कैसे बचाना है? तो देखो इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक और उम्दा ट्रिक है, ध्यान रखेंगे, वीडियो को पूरा देखें, ऐसे ही ट्रिक आपको मिलने वाली है हर टाइप के क्वेश्चन में। आपको एक चीज़ देखनी होगी, सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, ऑप्शन देखने, सारे ऑप्शन में एक बात आपको नोट करनी है कि संख्याएं जो हैं वो इसी क्रम में लिखी होनी चाहिए चार ऑप्शन में। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब आपकी सारे ऑप्शन जो सारी संख्याएं हैं वो उसी क्रम में लिखी हों सारे ऑप्शन में। जैसे कि देखो पहले 49 है, सब में पहले 49 है, दूसरे नंबर पे सब में 7 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 5 है और लास्ट में 8 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि संख्याएं अगर अलग हो जाएं तो फिर क्या, तो उसके भी अभी देखेंगे, पहले इसको देखो, ठीक। ज़्यादा अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं, आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आ गया कि अगर सेम पर जगह ना लिखी हो तो फिर क्या करेंगे, उसके भी तरीका है, पहले इसको समझो। अगर ट्रिक देखो कैसे काम करी, 5 सेकंड में बना लोगे कि ये संख्याएं जैसे जिस क्रम में इसमें लिखी हुई वैसे उसमें लिखी हूँ, तो अब आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना है हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। देखो पॉइंटों में किसी का आंसर नहीं आया, अब पॉइंटों में आंसर नहीं आ रहा तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे डिवाइड करके पूरा जाए, ठीक है, डिवाइड करके पूरा कट जाए, ठीक। अब यहां पे अगर देखो, यहां पे अगर डिवाइड आएगा तो पूरा कट जाएगा, इनके बीच में आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ ऑलरेडी डिवाइड रखा हुआ है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड तो चेंज हो रहा है ना, डिवाइड चेंज हो रहा है और कहीं अगर मैं डिवाइड को रखूँगा, ध्यान से समझना इन बातों को, और कहीं अगर डिवाइड का साइन यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या होगा, ये पॉइंटों में इक्वेशन बन जाएगी, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो रखे हुई है पूर्णांक में, दशमलव में नहीं है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर डिवाइड आ जाए तो ये ऑप्शन भी आपका बन सकता है, ठीक, और यहाँ पे अगर, यानी कि ये तीन ऑप्शन आपके आंसर बन सकते हैं, एक ऑप्शन तो आपका ख़त्म हो गया, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ तो प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। प्लस का अर्थ क्या डिवाइड है, प्लस का अर्थ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस के स्थान पर क्या आ रहा है, आपका डिवाइड आ रहा है। अब चाहे तुम इक्वेशन को चेक करके देख लेना, आंसर यही आएगा। तो 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ये ट्रिक होती है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपने खुद जमा लिया होगा, एकदम से उड़ा दिया होगा 5 सेकंड में। इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्विंग अगर करके देखना ही है तो माइनस की जगह क्या है आपका डिवाइड है, और प्लस के स्थान पर क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, डिवाइड के स्थान पर क्या दिया हुआ है आपका माइनस आ जाएगा, और इनटू के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, 7 × 7 = 49, तो 7 बार जाएगा, 7 × 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 − 5 + 8। अब 21 में 8 जोड़ोगे कितना हो गया, 21 और 8 कितना हो गया 29, और 29 में 5 घटाओगे 24, और इधर 24 ही लिखा हुआ है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये ट्रिक ऐसे काम करती है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड तो अब आप खुद बना लोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
सेकंड दिया हुआ है आपका, सेकंड में जो साइन दिए हुए हैं माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, यानी कि माइनस के लिए भाग, प्लस के लिए गुणा, प्लस के लिए गुणा, डिवाइड के लिए घटा और गुणा के लिए प्लस, यानी कि सारी कंडीशन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। इक्वेशन हमें दी हुई है, पहली इक्वेशन है 19 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 11। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने मेरे से पहले बना लिया होगा, अगर ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हुई हो 5 सेकंड के अंदर। 19 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 13। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, मुझे से पहले आपने इसको कर लिया होगा 5 सेकंड के अंदर, अगर जिसने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा है। ठीक, ध्यान से देखो, वही चीज़ हमें देखनी है, 19 सब जगह पहली जगह, 5 दूसरे नंबर पे, 4 तीसरे नंबर पे, 2। ठीक, तो कंडीशन फॉलो हो रही है जो होनी चाहिए थी। अब ट्रिक इसमें काम कर जाएगी, कैसे काम कर जाएगी, इधर कोई पॉइंटर में नहीं चल रहा, तो यानी कि जहाँ पे भी डिवाइड का साइन आएगा वहाँ वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड किसका मतलब है, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा इस इक्वेशन में, तो 5 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटर में जाएगा, तो ये ऑप्शन तो इसका ख़त्म हो गया। ठीक, इस वाले ऑप्शन में डिवाइड कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ आएगा, फिर से ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। इस वाले ऑप्शन में डिवाइड कहाँ आएगा, यानी कि ये इसका आंसर बन सकता है। ठीक, और इस वाले ऑप्शन में तो डिवाइड ऑलरेडी कहीं आना ही नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन को चेक कर लो, इस वाले ऑप्शन को चेक कर लो। अब आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, इसको चेक करके देखो, ये हो जाएगा आपका 19, डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ आपका माइनस 5, ये वाला ऑप्शन चेक करें हम ऑप्शन नंबर सी, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है गुणा, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है आपका डिवाइड, और गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ है आपका प्लस। अब इसको सॉल्व करके देखना जरा, ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दुनी 10। ठीक, 19 और 4 23 में 10 गया, कितना हो जाएगा 13, आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए, और 13 इधर लिखा हो तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ 5 सेकंड में आ गया आंसर के नहीं आ गया। ठीक, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डिवाइड नहीं आ रहा था, डिवाइड हमें एक ऐसी जगह देखना था जहाँ पे ये आपके पूर्णांक बन रहे हो। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो रहे हैं, ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, सेम क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भी आपने कर लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ थर्ड भी आपने बहुत जल्दी मेरे से पहले 5 सेकंड के अंदर कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या दिया हुआ है इसको देखो ज़रा एक बार, गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ जोड़ है, बिल्कुल सही बात है। माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, फिर आगे दिया हुआ है भाग का अर्थ है घटा, भाग का अर्थ है घटा, और प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड हैं, जो स्टार्टिंग में साइन में वो कोई अंतर नहीं है। अब पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इक्वेशन सही होगा। पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है 16 प्लस 5 माइनस 10 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना है 9। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 16 माइनस का 5 गुणा 10 डिवाइड 4 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपको 12। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 19। ठीक है, मेरे से पहले आपने कर लिया होगा 5 सेकंड के अंदर, 16 सब में पहले। ठीक है, यहाँ पे 5, ये यहाँ इक्वेशन ये वाली चेंज हो रही है, ये वाली इक्वेशन जो है ये चेंज हो रही है, यहाँ पे 5 की जगह 6 आ गया है। ठीक, तो बाकी तीनों को तो चेक करके देख सकते हैं, इसको अभी बाद में देख लेंगे, समय हमें बचाना है। पॉइंटों में तो किसी में नहीं आ रहा, तो भाग ऐसी जगह आना चाहिए जहाँ डिवाइड हो जाए संख्या, और डिवाइड मतलब किसका, माइनस का। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रखूँगा, यहाँ पे अगर डिवाइड रखा जाए तो 5 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर गुणा आ जाएगा तो वो बात बन जाएगी, तो यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है। ये वाला यहाँ पे 16 से 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इस वाले ऑप्शन में, यहाँ डिवाइड आपका आएगा
और 4 से 3 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन की अगर बात की जाए, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे डिवाइड आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत। तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतनी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, करके देख लो ए आ भी रहा है कि नहीं। देखो 16 प्लस के स्थान पे आपका आना है क्या, मल्टीप्लाई, माइनस के स्थान पे क्या आना है आपका, डिवाइड, माइनस के स्थान पे क्या आना था, डिवाइड, तो ये 10 को मैंने नीचे लिख लिया, फिर इंटू, इंटू के स्थान पे क्या आना है आपका, प्लस 4, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस। अब इसको सॉल्व करके देखना ज़रा, 5 × 2 = 10, 2 × 8 = 16, 8 × 4 = 12 में से 3 गया कितना हो गया 9, और 9 ही इधर लिखा हुआ, पहला ही सही है। अब बताओ ट्रिक काम की है कि नहीं है। ठीक है, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन, अब हमें क्या पता था कि ये सारे के सारे ऑप्शन चेक करके देखने पड़ते थे। अब समय बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 5 सेकंड नहीं तो 10 सेकंड मान लो, अगर 10 सेकंड में भी हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड में भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो इसमें सारे ऑप्शन चेक करेंगे, बाई चांस अगर ये ऑप्शन नंबर ए डी पे होता तो फिर सारे चेक करने पड़ते ना, तो समय तो जाता, अब आप 10 सेकंड में कर पा रहे हो। ठीक, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना, ट्रिक कैसी लगी, और ज़रूर बताया करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करो, सारा कंटेंट इतना अच्छा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको रीजनिंग में आने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में आपका दिया हुआ है प्लस स्टैंड 4 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, आगे दिया हुआ है गुणा के लिए जोड़, बिल्कुल सही है, फिर माइनस के लिए गुणा, माइनस के लिए आपका दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और माइनस के लिए गुणा, और डिवाइड के लिए घटाना, डिवाइड के लिए घटाना, यानी कि प्लस के लिए दिया हुआ है भाग, प्लस के लिए आपका जो डिवीजन है, प्लस के लिए भाग है, ये चेंज हो गया है इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है आपको, 46 × 6 डिवाइडेड बाई 4 − 5 + 3 = 74 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपको, 46 − 6 + 4 × 5 / 3 = 71 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ, 46 × 6 × 4 − 5 + 3 = 75.5 दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 46 × 6 − 4 + 5 / 3 = 70.1। अब आप कहोगे कि इसमें ऑप्शन जो है पॉइंटों में आ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है डिवाइड से मैच करेंगे कि नहीं, तो वो भी देखो ध्यान से, ये 46, 6, 4, 5, 3 यहाँ भी काम करेगी ट्रिक। कैसे काम करेगी, हमें डिवाइड ऐसे जगह, क्योंकि 2 में तो पूर्णांक है, 2 में दशमलव है, 2 में तो पूर्णांक है, पहले पूर्णांक वालों को चेक करके देख लो, पूर्णांक वालों को डिवाइड कैसे स्थान पर आना चाहिए, जहाँ पर संख्या डिवाइड हो जाए। डिवाइड किसका मतलब क्या है, माइनस, किसका मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो प्लस देखो कहाँ पे है, यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यहाँ डिवाइड आएगा तो पॉइंटों में आएगा। ठीक, तो यहाँ तो वैल्यू होल नंबर में रखी हुई है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन को, देखो डिवाइड कहाँ आएगा, प्लस के स्थान पर, तो यहाँ पर ये इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इस वाले ऑप्शन को देखो, इस वाले ऑप्शन में देखो कहाँ पर आएगा डिवाइड, प्लस की जगह डिवाइड आएगा। अब 3 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है 0.5 तो बनेगा नहीं। ठीक है, जब 5 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 बन जा, ठीक, फिर बचेगा 2, 20, 3×6, 18, 0.666 चला जाएगा, तो क्या ये बाद में 0.5 बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो गया, कट हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे डिवाइड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो 4 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे, जब 4 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 आएगा। अब 0.8 बाद में है ही नहीं दशमलव के, तो यहाँ पे 0.1 है, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। चेक करके देख लो ऑप्शन नंबर बी को, बन रहा है कि नहीं बन रहा। 46 माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है आपका, मल्टीप्लाई, 6 हो गया, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है आपका, डिवाइड, 4 हो गया,
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस, 5 आ गया, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है आपका, माइनस, यानी कि आपका 3 आ गया। इसे सॉल्व करके देखना ज़रा, ये हो जाएगा, इसको 4 को यहाँ पे ले आओ तो ये हो जाएगा, 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कितनी बार जाएगा, 23 बार, 23 तिया कितना हो गया, 69, यानी कि मैं इसको ऊपर लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, 69 हो जाएगा ये, 69 प्लस 5, 69 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये, 74, और 74 में से 3 घटाओगे, 74 माइनस 3 तो कितना आएगा, 71, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या किसी को चेक करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही ना, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है ट्रिक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए साइन चेंज हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ट्रिक से हो जाए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसमें ट्रिक काम नहीं करती है, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिक से हो जाए, तो मैंने ट्रिक भी बता दी, जिससे कि देखो, अच्छा योद्धा कौन है, जिसके तर्कस में सारे तीर हों, वो चलाना जानता हो कौन सा किस समय पर चलाना है, ठीक है। पता चला कि एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिक वाला था, आप सारे के सारे ऑप्शन चेक करे बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखो, स्टेट विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ़, आपको दिया हुआ है, ये साइड एरो दिया हुआ है, यानी कि राइट एरो का मतलब दिया हुआ है प्लस, राइट एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस। फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट एरो का मतलब दिया हुआ है आपका क्या, माइनस। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है इसने, डाउन एरो का मतलब दिया हुआ है, डाउन एरो का मतलब दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और उसके बाद डाउन एरो का मतलब मल्टीप्लाई, अपर एरो का मतलब दिया हुआ है क्या, डिवाइड। अपर एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, और साइड एरो का मतलब दिया हुआ है बराबर, एक एरो और है साइड एरो, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, बराबर दिया हुआ है, और एक डाउनवर्ड्स एरो है साइड एरो, इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको, ग्रेटर, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेटर। तो अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये जो सारे इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन सही होगी। जैसे पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5, डाउन एरो 6, साइड एरो 6, 12, अपर एरो 4, और ये साइड एरो हो गया आपका 30। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, डाउन एरो का मतलब देखो क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक, साइड एरो का मतलब यानी कि राइट एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस, लेफ्ट एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस, अपर एरो का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, डिवाइड, और इस वाले एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, बराबर। अब इसको सॉल्व करके देखो, 30 बन रहा है क्या, 4 से 3 बार चला गया, 5 6 30, 30 6 36 में से 3 गया, 36 में 3 जाएगा 33 आएगा, जबकि हमें 30 चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो जल्दी से, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा है आपका 3 डाउन एरो 4 साइड एरो 15 अपर एरो 3 लेफ्ट एरो 7 और साइड एरो दिया हुआ है 10। तो इसका मतलब 3 डाउन एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई, 4 राइट एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, प्लस, और अपर एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवाइड, और साइड एरो का मतलब क्या दिया हुआ है आपका, माइनस, और इस वाले एरो का मतलब क्या दिया हुआ है, बराबर, ठीक। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, 5 बार जाएगा, 4 3 12, 12 5 17, 17 में 7 गया 10, यानी कि 10 से मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, तो सब में ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन अधिकतर काम करेगी, ये देखने को मिला है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन की ओर, टाइप थर्ड को देखो, टाइप थर्ड में क्या दिया हुआ है, टाइप थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जहाँ ट्रिक होगी वहाँ ट्रिक बताई जाएगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ तो सीधे वैसे जैसे करते हैं क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। जैसे कि आपको दिया हो पहला क्वेश्चन कि निम्न में से आफ्टर इंटरचेंजिंग प्लस एंड माइनस एंड 8 एंड 7 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बिकेम करेक्ट, कौन सी इक्वेशन सही हो जाएगी, किस किस को चेंज करना है। पहला ऑप्शन उठा लो, पहला ऑप्शन है आपका, यानी कि 7 को 8 से चेंज करने को बोल रहा है, और किसको, प्लस को माइनस से। तो पहली इक्वेशन में जहाँ 7 है वहाँ 8 लिख दिया, और जहाँ 7 था वहाँ 8 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या 35 बन जाएगा क्या,
आठ सात पंद्रह, पाँच या पंद्रह है तो जीरो बनना है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में सात गुणा दो माइनस सात प्लस छः बराबर नौ, सॉरी यहाँ आपका आठ आ जाएगा क्योंकि सात को आठ से चेंज कर रहे हैं। इसको सॉल्व करके देखो, सात दूनी चौदह, छः बीस, बीस में से आठ गया बारह, जबकि नौ है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को हम चेक कर रहे हैं, छः माइनस सात गुणा दो प्लस आठ बराबर जीरो, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, आठ और छः कितना हो गया चौदह, माइनस सात दूनी कितना हो गया चौदह, चौदह में से चौदह गया कितना जीरो, तो जीरो ही हमें चाहिए था, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, जहाँ ट्रिक होगी वहाँ बताई जाएगी, जहाँ नहीं होगी तो वैसे ही आपको करना होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तीस सेकेंड मुश्किल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकंड को देखो, सेकंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड में ट्रिक आसानी से काम कर जाएगी। इसने दिया हुआ है कि 6 गुणा चार प्लस दो बराबर सोलह, किसको आपस में चेंज किया जाए कि ये इक्वेशन संतुलित हो जाए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो देखो ध्यान से, एक तरीका तो ये है कि इन तीनों का यूज़ करके सोलह कैसे बन सकता है। अगर यहाँ पर छः की गुणा दो से हो जाए, छः दुनी बारह और चार उसमें प्लस हो जाए तो सोलह बन जाएगा, छः दुनी बारह चार सोलह। ठीक है, तो छः की जगह चार रख के देख लो और चार की जगह छः कर दो, चार की जगह छः और छः की जगह चार, दो को ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब छः की मल्टीप्लाई दो से करके और चार प्लस कर देंगे तो सोलह बन जाएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, तो हमने क्या चेंज किया, चार को रिप्लेस कर रहे हैं हम छः से, और प्लस को और आपस में रिप्लेस किया जा रहा है किससे, मल्टीप्लाई से। ये हमारा ऑप्शन होगा, इन दो चेक करके देखो, सॉल्व करके देखो, छः दुनी बारह चार सोलह ही बनना है ना, तो अब ऐसा ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ट्रिक भी काम करेगी जहाँ आपको, अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में दिया हुआ है 35 प्लस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6 बराबर 24। फिर से वही है कि किन चिन्हों को आपस में चेंज कर दिया जाए कि 24 हो जाए, तो ध्यान से देखो किन चिन्हों को चेंज करके ये बन सकता है, किन चिन्ह को आपस में चेंज करके 24 बन जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसने, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लस और माइनस। अगर प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, प्लस और माइनस को, ये हो जाएगा 35 अब माइनस सात गुणा पाँच डिवाइडेड बाई पाँच, और ये हो जाएगा प्लस, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो एक ये सात बन जाएगा, 35 और 6 41 में सात गया 24 कभी नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में चेंज करोगे तो देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 35 की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो बहुत ज़्यादा आएगा, हमें तो 24 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका वैसे गलत हो गया। सी को चेक करो, सी में क्या दिया हुआ है, डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस को आपस में इंटरचेंज करके देखो, यहाँ पर आपका डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको छोटा बना दूँ संख्या को प्लस, क्योंकि यहाँ पर 35 और 7 यानी कि 7 से 35 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इस चिन्ह के स्थान पे डिवाइड आ जाना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन यहाँ प्लस को डिवाइड से चेंज करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई रहेगा, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 5 माइनस 6, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना बन रहा है, ये 5 और पंजे 25, 25 पाँच 30, 30 में 6 गया 24, 24 ही हमें चाहिए था, यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फोर देखो, फोर एक क्वेश्चन समझना होता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है कि प्लस डिवाइड और बराबर, डिवाइड और बराबर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, डिवाइड और बराबर को और दो और तीन को आपस में बदल दिया जाए, किस किस को, दो और तीन को, तो कौन सी इक्वेशन सही होगी, क्या पहली इक्वेशन सही हो सकती है क्या। अगर 15 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो सिंपल सी बात है, ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, 15 को अगर 2 से तुम डिवाइड करने लगे, 15 को ये है आपका बराबर की जगह डिवाइड आ गया, दो की जगह तीन आ गया और डिवाइड की जगह बराबर, अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो पाँच आएगा, जबकि यहाँ बराबर में क्या लिखा हो, तीन, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पाँच, डिवाइड की जगह आपका बराबर आ गया 15
और ये आपका हो जाएगा डिवाइड, और दो की जगह तीन आ जाएगा, तीन पंजे 15, 5 बराबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक, तो ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, जहाँ ट्रिक होगी वहाँ बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब क्वेश्चन और भी है, बस आपको तरीका समझाना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 5 + 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 - 10 = 16। तो किन चिन्ह, दो चिन्हों को चेंज करके ये क्वेश्चन आपकी संतुलित हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। पहला ऑप्शन है प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई को अगर चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ प्लस आ जाए, तो ये हो जाएगा, चेक करके देखो, 5 × 10 = 12, 12 × 10 गया तो आपका 2 आना चाहिए, जबकि 16 है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आपका 5 और 10 को आपस में चेंज करके देखो, 5 और 10 को अगर आपस में चेंज करके देख रहे हैं तो कहीं कुछ बन रहा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 24 में से 5 गया, 24 में से 5 गया 19, और जबकि बराबर में हमें चाहिए कितना, 16, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हम देख रहे हैं, 5 प्लस और माइनस को चेंज करके देख लो, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ आपका गुणा रहा, और यहाँ प्लस हो गया 10। ठीक, तो इसको सॉल्व करना जरा, कितना बन रहा है ये, 5 में 2 गया, 3 × 6 = 16, 16 ही हमें चाहिए था, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल करने हैं, जहाँ ट्रिक हो वहाँ ट्रिक बताई जाएगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ नहीं बताई जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 4। टाइप 5 को ध्यान देना है, टाइप 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं कि कोई सा टाइप छोड़ देना है। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या है, इक्वेशन आपको दी हुई है 8 * 7 * 6 * 5 * 10। अब इसमें कौन से ऑप्शन हमें ऐसा उसने दिया, कौन सा ऑप्शन रख दिया जाए कि ये इक्वेशन जो है वो, यानी कि स्टार के स्थान पे कौन कौन से चिन्ह आपके आ जाएं कि ये इक्वेशन जो है वो संतुलित हो जाए। ठीक है, तो अब देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसने, पहला ऑप्शन है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे है माइनस, फिर आपका आगे दिया हुआ है डिवाइड, और फिर आपका दिया हुआ है ये बराबर। तो इस इन चिन्हों को यहाँ पे रखने पे क्या ये इनको यूज़ करके 10 बन जाएगा क्या, 8 × 7 = 56, 56 में से 6 गया कितना हो गया 50, और 50 को जब तुम 5 से भाग करोगे तो 10 बन जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, कैसे देखो, दोबारा समझो, 8 यहाँ पे पहला ऑप्शन हम रख रहे हैं, स्टार की जगह पहले पे गुणा दिया हुआ है, दूसरे स्टार की जगह माइनस दिया हुआ है, तीसरे स्टार की जगह डिवाइड दिया हुआ है, और चौथे स्टार की जगह बराबर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना जरा, 8 × 56 में से 6 गया कितना हो गया 50, को 5 से भाग करो कितना आएगा 10 = 10, इक्वेशन सेटिस्फाई, तो पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल करते हैं, ये आपका टाइप 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 4 का। सेकेंड में दिया हुआ है आपका 70, फिर आपका 7 है, फिर 113 है, फिर आपका जो है वो 13 है, और बराबर कितना है 390। अब इन चारों का प्रयोग करके हमें 390 चाहिए, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा ये 7 × 7 = 49, यानी कि 490, और 490 में से 100 अगर कम कर दोगे तो 390 मिल जाएगा। अब 100 कैसे मिल सकता है, इनको आपस में घटा के। अब घटाया कैसे जाएगा कि यहाँ पे तो ये एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। अब प्लस का माइनस का कैसे डिसाइड होगा, माइनस की संख्या हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि 490 में से हमें 100 कम करने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, ये आपका प्लस कर दूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली जगह क्या है गुणा, दूसरी जगह हम माइनस कर रहे हैं, और तीसरी जगह क्या कर रहे हैं प्लस। तो है ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ट्रिक भी काम कर जाती है, सारे ऑप्शन रख के देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 7 * 5 * 8 * 4 * 2 * 4, फिर आपका दिया हुआ 35। अब ये क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा, देखो कैसे, पहले ऑप्शन में देख रहे हैं डिवाइड कौन से तीसरे प्लेस पे आ रहा है, तो तीसरे प्लेस पे डिवाइड, यानी कि यहाँ तो काम चल जाएगा।
ठीक है, यानी कि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं पे भी पॉइंटों में संख्या नहीं है। ठीक, अगर मैं, यानी कि ये इसका आंसर हो सकता है। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो, दूसरे नंबर पे डिवाइड है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रख दूँ तो 5 को 8 से डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो दूसरा ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत। तीसरे ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो डिवाइड कहाँ रहा है, लास्ट में आ रहा है, यानी कि यहाँ जब 4 को 35 से डिवाइड करोगे जाहिर सी बात है पॉइंट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में देखा जा रहा है तो डी में पहले नंबर पे डिवाइड रखा हुआ है, तो जब 7 को तुम 5 से भाग करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से ट्रिक भी काम कर देती है, तो ट्रिक का भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो गया, रख के देखो। ठीक है, 7 पहला ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई, फिर दूसरा दिया हुआ है आपको प्लस, फिर तीसरा आपको दिया हुआ है डिवाइड, और फिर चौथा साइन आपको दिया हुआ है प्लस, और फिर पांचवा साइन दिया हुआ है आपको माइनस, और फिर है बराबर। अब इसको सॉल्व करके देखना ज़रा, 7 × 5 = 35 प्लस 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 + 2 - 4, 2 और 2 = 4 में से 4 ये कम हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 35। तो सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ट्रिक भी काम करती है जो हमने सीख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इक्वेशन आपको 2 × 27 * 3 ब्रैकेट बंद है * 30 * 30 और * 18। अब कौन सी इक्वेशन इसको संतुलित करेगी ये हमें देखना है। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड आ सकता है, डिवाइड अगर पहले नंबर पे ये तो आराम से चल जाएगा। पहले नंबर पे डिवाइड किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इससे पहले डी को ही रख के देखो, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि डिवाइड ऐसी जगह चाहिए होता है जहाँ पे वो पूरी पूरी संख्या को डिवाइड कर दे। तो इसमें हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया हुआ है, साइन आपको प्लस दिया हुआ है, फिर अगला साइन क्या दिया हुआ है आपको माइनस दिया हुआ है, और फिर आपको क्या दिया हुआ है बराबर। तो क्या इनको सॉल्व करके 18 आ जाएगा क्या, 30 से 30 गया, 9 × 2 = 18। ऑप्शन नंबर डी ही आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रिक का भी यूज़ करेंगे जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या दिया हुआ है, 5 है आपकी इक्वेशन दी हुई है 24 * 16 * 8 * 32। ठीक है, अब बराबर अगर देखा जाए तो यहीं पे लास्ट में, तो यानी कि इन तीनों का यूज़ करके बराबर कैसे आ सकता है, इन तीनों का यूज़ करके अगर मैं इसमें ये जोड़ के और 8 घटा दूं तो जाहिर सी बात है मुझे क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ माइनस आ जाए, और भी यहाँ तो बराबर है ही, तो प्लस माइनस बराबर कोई ऑप्शन है, प्लस माइनस बराबर पहला ही ऑप्शन है, तो आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे। मेरे लिए ख़त्म हो रहे हैं ये, आपके लिए नहीं, आप तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होगा। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक लगाओ, और जहाँ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है तो वहाँ सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते हैं इसके टाइप 5, और इंटरेस्टिंग टाइप है, टाइप 5 है और लास्ट टाइप है इसका, टाइप 5। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, टाइप 5 के क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, टाइप 5। इसमें दिया हुआ है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। यानी कि कुछ इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये किसी की ना किसी के आधार पर सॉल्व की गई हैं, जैसे कि 5 * 6 बराबर दिया हुआ है 35, 8 * 4 दिया हुआ है आपको कितना 28, तो 6 * 8 आपको बताना है कितना होगा। तो इसमें यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व की गई हैं, फिर आपको आंसर देना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसमें जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है, 6 × 5 = 30 और 30 में 5 जोड़ दो कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। ऐसे 8 × 6 = 32, 32 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ पे 40 होना चाहिए था, तो ये तरीका तो है नहीं। फिर सिंपल सा तरीका क्या है, देखो ध्यान से अगर देखें इन दोनों इक्वेशन को, ये वाली संख्या उठा के एज इट इज़ इकाई अंक बन रही है, ये वाली संख्या जो है उठा के एज इट इज़ यूनिट प्लेस पे जा रही है, और इसका आधा, 6 का आधा 3 ये लिख दिया, 4 का आधा 2 ये लिख दिया, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करो, इसका आधा कितना हो जाएगा 4, और इसको उठा के ऐसे ही रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है आपका 5
स्टार 3 इक्वल्स टू 125। अगर मैं 5 का ये स्टार में जो 3 है इसको यहाँ पे क्यूब में कर दूँ तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ऐसे ही 8 ये जो स्टार में 2 है इसको उठा के इसकी पावर बना दो तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है? तो ये किसी ना किसी विशेष प्रणाली के आधार पे सॉल्व है, आपको वो तरीका पता करना है, फिर जो सॉल्व नहीं है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, टाइप 5 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड में दिया हुआ है 987, 987 का संबंध दिया हुआ है किससे, 876 से। यानी कि इसमें 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 एक एक माइनस हो रहा है, ऐसी अगले वाली इक्वेशन को देख लो, एक एक माइनस होता चला जा रहा है। तो 8 5 3 क्या हो जाएगा, 8 में से एक घटाया 7, 5 में से एक घटाया 4 और 3 में से एक घटाया 2, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 742 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इक्वेशन को समझना है किस तरीके से सॉल्व की गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 25 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 25 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो कितना आ रहा है आपका, 15 आ रहा है। 30 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 35 को डिवाइड करना है 7 से, तो कितना आएगा ये हमें बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो खुद से पहले प्रयास करके देखो इसमें कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 25 और 5 का यूज़ कैसे किया जाए कि हमें 15 मिल जाए। 25 और 5 का कैसे करोगे, 25 और 5 कितना हो गया 30, दोनों को जोड़कर अब मैं आधा कर दूं तो 15 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही, 30 6 कितना हो गया 36, 36 का आधा यहाँ पे 18 दिया हुआ नहीं है, 36 का आधा यहाँ पे 18 दिया हुआ नहीं है। तो फिर देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, 5 5 25 यानी कि डिवाइड ही कर दिया, कितना आया 5 आया, फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी 3 से, तो 15 हो गया। 6 5 कितना हो गया 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4 से, यहाँ 3 से चल रही है, यहाँ 4 से, तो अब किससे चलेगी 5 से चलेगी, तो 7 5 35, और 35 की 5, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, तो यहाँ 5 से, तो आंसर हो जाएगा 25 यानी कि आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फोर्थ का सी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसमें तरीका अलग है, इसमें तरीका, लेकिन तरीका वही लग रहा है, बस संख्या यानी क्रम बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5। 5 को खुद से प्रयास करो पहले। 5 दिया हुआ है आपका 64 डिवाइडेड बाई 14 बराबर 5, कैसे आ सकता है, अगर देखो इनका डीएस लगा दो, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में सीखा था, 6 4 कितना हो गया 10, 4 और 1 कितना हो गया 5, 10 में से 5 गया कितना बन गया 5। अब ये तरीका अगले वाले में फॉलो है क्या, 9 और 2 11, 3 और 1 4, 11 में 4 गया 7, बिल्कुल फॉलो है, 6 2 8 और 1 और 1 2, 8 में 2 गया 6 हो जाएगा। तो अब 56 डिवाइडेड बाई 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 5 11 और 11 2 2 4, 11 में से 4 गया 7, आपके सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, पहले खुद से प्रयास करके देखना, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वीडियो को रिज्यूम करना, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करो कि हाँ हमें वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, अगली वीडियो मैं अच्छा प्रयास करता हूँ कि अगली वीडियो को और अच्छे से मैं आपके कंटेंट जो है और अच्छे से आप तक पहुँचा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 4 6 9 का जो दिया हुआ है बराबर दिया हुआ 6 4 9, यानी कि ध्यान से देखो, ये 6 ये आ गया, 4 ये आ गया, 9 ये आ गया, यही संख्याएं लिखी हुई हैं क्रम से, यही संख्याएं क्रम से लिखी हुई हैं, तो ऐसे ही आपको बताना है अगला, 7 3 2 और पूछा है 8 × 9 × 4 क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर की सबसे पहले आ रही है तो 9 हो गया, फिर पहले नंबर की दूसरे स्थान पर जा रही है और ये आपकी लास्ट नंबर पर रह रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 984, 984 यानी कि आपके सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 को। 7 में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है 264 की मल्टीप्लाई 2 से दी हुई है और दिया हुआ है 6, 870 × 3 बराबर दिया हुआ है आपको 11 और 735 × 5 बराबर दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले खुद से इसको करके देखो कि किस आधार पे सॉल्व हुई है। देखो नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखना है आपको, पहले इसको 264 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 2 1 2, 2 3 2, 2 2। अब इनको अंकों को यानी कि डीएस लगा दिया, डीएस कितना आ गया 6, ऐसे ही इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 3 2 6, 2
27 तीन नम 27। अब जब इनको डीएस लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है 11, तो ऐसे ही इसको डिवाइड करो 5 से, 5 वन जा 5 फोर जा और 5 सेवन जा, 7 चार 11 और 1 12 आपके सवाल का उत्तर होगा। और 12 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको 85 और प्लस 25 बराबर दिया हुआ है 50। तो 85 और 25 को यूज़ करके 50 कैसे बन सकता है, अगर इसको इसमें से घटाया जाए तो 0, 8 में 2 गया 6, 60 तो बन रहा है, लेकिन चलो माइनस का 10 कर देंगे। अगले में ये तरीका फॉलो हो रहा है क्या, 97 और 65 बराबर कितना आ रहा है 93, तो अब ये तरीका फॉलो नहीं हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो 93 कैसे आएगा। तो फिर दूसरा तरीका देखो क्या दिया हुआ है इसमें, जो इसमें तरीका लग रहा है 85 और 25 बराबर दिया हुआ है 50। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, 8 पंजे कितना हो गया, डीएस लगा दो, लेकिन डीएस नहीं लगा रहे इस बार, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, ऐड कर दिया कितना मिल गया 50, 9 सत्ते 63, 6 पंजे 30, दोनों को ऐड कर दिया कितना मिल गया 93। तो अब हमें बताना किसका आंसर था, बताना था 72 प्लस 94 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 9 चौक 36, 36 और 14 कितना हो गया आपका 50, यानी 50 ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 9 को देखो जरा, 9 दिया हुआ है 4267 इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 10, और 3374 इक्वल्स टू दिया हुआ है 9, देन 4255 आपको बताना है क्या होगा। तो बड़े ध्यान से समझेंगे इसमें तरीका क्या लगा हुआ है, पहले तीसरे और दूसरे चौथे को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक। 6 चौक 24, 7 दूनी 14, 24 माइनस 14 कितना हो गया 10, 7 21, 4 3 12, 21 में से 12 गया 9 लेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 20 में से 10 गया, तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। 10 में दिया हुआ है 66 मल्टीप्लाई 65 मल्टीप्लाई 64 इक्वल्स टू 195, ऐसे आपको दिया हुआ है 55 इंटू 54 इंटू 53 बराबर कितना दिया हुआ है 162, ठीक है। और आपको बताना क्या है, बताना ये है कि 44 इंटू 43 इंटू 42 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको, ये बीच वाली जो संख्या है इसको उठाया गया है और इसकी मल्टीप्लाई किससे की जा रही है, 3 से, 3 5 15, 3 6 18 19 बन गया ना। कहने का मतलब इन अंकों को जोड़ा जा रहा है गुणा के बजाय, इसको 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 6 5 11 4 15 कैरी हो गया 1, 6 3 18 19, इसको ऐसे इनको जोड़ दो, इनको जोड़ रहे तो कितना आ रहा है 4 3 7 5 12 कैरी हो गया 1, 5 3 15 16, ऐसे सबको इनको जोड़ दो तो आंसर क्या हो जाएगा 2 3 5 4 9, 4 3 12 और 1 13, 139 आपके सवाल का उत्तर है। और 139 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 139 क्वेश्चन नंबर था आपका ये 10, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 139, तो ऑप्शन में है ही नहीं 139, तो 139 बनेगा क्या, 5 4 9 नहीं 129 बनेगा, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, 11 को देखो, 11 दिया हुआ है आपका 324 की मल्टीप्लाई दी हुई है किससे, 324 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 150 से, तो कितना आ रहा है 54 आ रहा है, ठीक। तो ये कैसे आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे डीएस लगाया हुआ है 3 2 5 4 9, 5 और 1 6, 9 की मल्टीप्लाई 6 से तो 54 हो गया। ऐसे ही अगला वाला क्वेश्चन है, अगले वाले इक्वेशन है आपकी 251 इंटू 402, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे 5 6 5 2 7 और 1 8, 8 6 48, 48 ही लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है। तो आंसर हमें किसका बताना है, 651 मल्टीप्लाई 345। तो इसको देखो जरा ध्यान से, 6 5 11 और 1 12, 4 3 7 और 5 12, 12 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है आपको 12 इंटू 7 बराबर दिया हुआ है 408। अगर 12 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा,
84 को अगर उल्टा करके लिख दिया जाए इस तरीके से 48 और बीच में जीरो लगा दो तो यही बन जाएगा, यही तरीका अपनाया हुआ है। 9 8 72 72 को उल्टा करके लिखो बीच में जीरो लगा दो, यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 13 7 91 91 को उल्टा करके लिखो बीच में जीरो लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 109, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, 13 में क्या दिया हुआ है आपका, 13 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 425 बराबर दिया हुआ है आपको 22, 425 बराबर कितना दिया हुआ है 22, ठीक। फिर आपका दिया हुआ है 648 बराबर कितना दिया हुआ है 52। तो पहले इनको ही देख लो क्या ऑपरेशन लग रहा होगा इसमें, इन तीनों का यूज़ करके 22 कैसे बन सकता है। पहले तीसरे की मल्टीप्लाई और फिर बीच में ये ऐड कर दिया जाए तो 22 बन जाएगा, 5 6 20 और 2 22, 8 6 48 और 4 52, बिल्कुल सही तरीका है। तो ऐसे ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 538 बराबर बताना है, 538, 8 5 40 और 3 43, 43 आपके सवाल का उत्तर है, और 43 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं जी, 14 देखो, 14 दिया हुआ है आपको 52 × 45 = 30, कैसे आ सकता है? वही आपको करना है क्या, 5 × 2 = 7 5 × 4 = 9 9 7 = 63 हो रहा है, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, इससे हो जाएगा गुणा से, 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, दोनों को ऐड कर दिया 30 मिल गया। सेम प्रोसेस आपका चल रहा है किसमें, क्वेश्चन नंबर सॉरी अगले क्वेश्चन में, 7 × 3 = 10, 7 × 3 कितना हो गया 10 और 2 × 1 कितना हो गया 3, यही तो था 52 45। अगला है आपका 70 × 3 × 21 = 23, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 21 और 2 × 1 = 2, 21 में 2 जोड़ा कितना हो गया 23, मल्टीप्लाई चल के, ठीक। तो अब आंसर बताना है, इक्वेशन क्या दी गई, 62 × 33, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और 3 × 3 = 9, अब इसको जब तुम जोड़ोगे 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 आपके सवाल का उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में देखें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 4 5 × 37 = दिया हुआ है 47, 5 7 × 64 = दिया हुआ है 58, फिर आगे दिया हुआ है आपका 9 4 × 27 = 46, देन 84 × 36 = आपको, तो पहले खुद से प्रयास करके देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से अगर देखो तो इसमें जो तरीका चल रहा है वो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, पहले तीसरे की मल्टीप्लाई और दूसरे चौथे की मल्टीप्लाई, 4 × 3 कितना हो रहा है 12 और 7 × 5 = 35, और फिर उसको जोड़ा जा रहा है तो 35 और 12 कितना हो गया 47, ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है 5 6 30 और 7 6 28 कितना हो गया 58, तो यहाँ पे भी वही तरीका आपको अप्लाई करना है, 8 × 3 = 24 और 4 6 = 24, 24 और 24 कितना हो गया 48 आपके सवाल का उत्तर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में क्या दिया हुआ है, 16 है आपका, 16 है 127 + 407 = दिया हुआ है 110 110 54 + 86 = दिया हुआ 126 125 + 232 = आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 2 9 1 10 और 7 4 11 इनके आपस में मल्टीप्लाई मिल गया, डीएस लग के मल्टीप्लाई चल रही, 5 4 9 8 6 14 14 9 126, तो हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 2 7 7 8 56, तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है 64 × 52 क्या रहा है 17 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका 48 × किससे 56 कितना आ रहा है 23 आ रहा है, तो फिर आपको बताना है कि अगर मैं 74 × 35 कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, तो 84 × 37 करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है, ये देखो पहला ये दिया हुआ है ना 17, फिर आपका 23, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 119, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया ये, सॉरी 19 ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, 6 4 10 5 2 7 10 और 7 17, ये तो आसान है, 8 4 12 6 5 11 12 11 23 7 4 11 और 5 3 8 11 8 19, तो 8 4 12 7 3 10 12 और 10 कितना हो गया 22, ये तो आसान था क्वेश्चन, ये 119 अगर हो जाता तो फिर टिपिकल पड़ जाता। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18
18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है 5 3 + 3 1 = 2, ठीक है, 5 3 8 3 और 1 4, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो 2 बन जाएगा। तरीका तो समझ में आ गया, अगले में फॉलो हो रहा है कि नहीं, 5 4 5 + 2 7 = 1, 5 4 9 7 2 9, डिवाइड कर रहे हैं तो 1, तरीका फॉलो हो रहा है। तो आंसर हमें निकालना है किसका, 9 7 + 2 6, तो 9 7 16 और 6 8 2 कितना हो गया 8, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है आपका, 4 × 6 = 72, 81 × 5 आपका दिया हुआ है 225, 9 * (?) = 147। तो आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो इसका स्क्वायर रूट और इसका क्या किया जा रहा है, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका स्क्वायर 36 × 72 हो गया, ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 25, तो 25 × 225 हो गया। तो यहाँ इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3, और इसका स्क्वायर हमें करना है बराबर 147 लेके आना है, तो 3 से इसको काट लो, 3 × 12 = 2 3 × 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो x बराबर 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है आपको, 20 है 9 × 7 = 32, 13 × 7 आपको दिया हुआ है 120, 7 × 9 दिया हुआ है आपको 208, तो 19 × 11 = आपको बताना है। तो बहुत अच्छा सवाल है, पहले खुद से प्रयास करें। देखो ध्यान से, इसमें जो तरीका है वो दिया हुआ क्या है, 9 का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपस में घटाया हुआ है, 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं 9 7 63 नहीं बन रहा था, फिर हमने इसको जोड़ा 9 7 16 × 32 कर रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रही। स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करके देखा 32 मिल रहा है, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49, 120 मिल गया। तो अब ऐसे 19 का स्क्वायर 361 और 11 का स्क्वायर 121, तो जब तुम इसको घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 240, और 240 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है। इस तरीके से ये विशेष प्रणाली पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिले हैं, ठीक। तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक था, 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक ही वीडियो में मैंने कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अधिकतर आपके देखो वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो गई है, अब आपकी नॉन वर्बल स्टार्ट होगी, नॉन वर्बल के बाद फिर क्वेश्चन सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सारे टॉपिक की क्वेश्चन सीरीज चलेगी, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, अपना बने रहें चैनल के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।